मसला कश्मीर के हल के लिए अब चीन के साथ साथ रूस को भी किरदार लाजमी अदा करना होगा। पाकिस्तानी सफीर का अहम बयान सामने आ गया। जर्मनी में पाकिस्तान के सफीर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने बुध के रोज़ अक्वाम मुत्तहिदा के फोरम में मसला कश्मीर को उठाने के लिए चीन के साथ साथ अब रूस से भी रुजू करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर के आवाम की अजियतनाक हालत पर संगीन तहफ़ुज़ात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीरी आवाम को पिछले 70 सालों से भारतीय फोर्सेज के जरिए इंसानी हकूक की बदतरीन पामाली का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत के मनफी एजेंडे को एक्सपोज करना होगा। इस पर तबसरा करते हुए डॉक्टर फैसल ने कहा कि पूरी दुनिया भारतीय हुक्मरानों की चालों से बखूबी वाकिफ है, लेकिन इन रहनुमाओं को वहाँ माशी दिलचस्पी हासिल है। उन्होंने कहा कि कौमी इदारों की ये वाहि जिम्मेदारी है कि वो अब चीन के साथ साथ रूस जैसी बड़ी वीटो ताकत रखने वाले ममालिक को भी भारत के साथ मसला कश्मीर के दरीना हल के लिए इस्तेमाल करें। और अब जबकि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुक एक मस्बत नहज पर खड़े हैं, रूस हालिया वक्तों में पाकिस्तान की अमन मशकों में भी शामिल रहा, तो अब रूस को भी ये चाहिए कि वो पाकिस्तान के मसला कश्मीर को अक्वाम मुत्तहिदा में पेश करे। उन्होंने मज़ीद कहा कि भारतीय मकबूजा कश्मीर के लोगों को मुज़ाकरात के अमल में शामिल करना ज़रूरी है। कौमी इदारों के अज़म की तारीफ़ करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम सरकारी इदारे और इंसानी हकूक़ की तंजीमें मसला कश्मीर को हर सूरत हल करना चाहते हैं।